गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th ग्रेड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियल एंड अपेरेंट डेप्थ. हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था ना AV, जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको एक रियल और अपेरेंट में डिफरेंस बताया था. आज हम वही रिवाइज करेंगे और रियल और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ली थी कॉइन की एग्ज़ाम्पल, वाई अ कॉइन्स अपीयर इन वाटर, कॉइन क्यों अपीयर होता है वाटर में, हमने ये एग्ज़ाम्पल ली थी. सपोज अगर हमने बाउल है, हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, बॉल है, उसमें हमने कॉइन डाल दिया, ठीक है. हमने क्या करना है, उस डायरेक्शन हमने थोड़ा बाउल से क्या होना है, पीछे हट जाना है बॉल से, तो हमें क्या लगेगा, हमें कॉइन दिखाई नहीं देगा. हमें कब तक वहाँ रहना है, फिर हमें दिखाई नहीं देता, हमने ऐसे खड़े होना कि हमें वो कॉइन दिखाई नहीं दे रहा. फिर हम उसमें क्या करेंगे, वाटर डालेंगे. वाटर डालने से क्या होगा, हमें कॉइन दिखाई देने लग जाएगा. अब बात ये है कि जो हमें कॉइन दिखाई दे रहा है वो रियल कॉइन है या अपेरेंट है. मींस अपेरेंट मींस उसकी इमेज, जहाँ वो होना चाहिए था बट वो है नहीं, वो क्या उसकी इमेज है, दैट इज़ अपेरेंट, ठीक है. क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रियल एंड अपेरेंट हेल्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ना क्या होता है, वाटर एंड एयर द मीडियम इज चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉइन इज इन ओनली वन मीडियम, एक ही मीडियम था, नो रिफ्रैक्शन अकर. लाइट रेस कैसे जा रही थी, सीधी जा रही थी बिल्कुल. मीन्स नो रिफ्रैक्शन अकर जब हमने उसमें वाटर डाल दिया. मीन्स देयर इज अ चेंज इन मीडियम, रेयर एयर इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू रेयर एयर, राइट. वाटर इज डेंसर. अब जब रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन होगी. रिफ्रैक्शन के कारण हमें कॉइन क्या देख क्या देगी, इमेज दिखाई देगी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल्स हैं यूनिवर्स में होती हैं. जैसे हमारे यूनिवर्स की एग्जाम्पल्स ले लो, सन मून स्टार्स प्लैनेट सभी क्या होते हैं, इसकी जो हमें दिखाई देती है वो रियल नहीं होते, वो उनकी क्या होती है, इमेज. दैट इज़ देयर दे आर अपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. अपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट वो है नहीं, मीन्स वो क्या है, उसकी इमेज है. फॉर एग्जाम्पल ये था हमारे पास बॉल, पहले हमने कॉइन डाला तो हमारी रेस कैसे जा रही थी, सीधी जा रही थी. जब हमने वाटर डाल दिया, मीन्स देयर इज़ अ चेंज इन मीडियम, जब रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल करेगी, इट बेंड्स मीन्स हमने किया था ना, जब रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टू वर्ड्स दी नॉर्मल एंड जब डेंस से रेयर जाएंगी बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है. जब मीडियम चेंज हो जाएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, हमें कॉइन क्या देगा, दिखाई देगा. बट कॉइन बेटा दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है, बट उसकी पोजिशन तो ये है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, अपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. यही होता है रियल एंड अपेरेंट में डिफरेंस. दिस इज अ अपेरेंट ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट है नहीं, ठीक है. इसके रिलेटेड ही हम पूरा टॉपिक करेंगे, रियल एंड अपेरेंट. आपको सिर्फ ये इसलिए कि आपको समझ आए, मीन्स रियल ऑब्जेक्ट जहाँ ऑब्जेक्ट होता है एंड अपेरेंट जहाँ पर हमें उसकी इमेज दिखाई देती है. मीन्स अपेरेंट मीन्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट वो ऑब्जेक्ट है नहीं, दिस इज अपेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट. आपके पास एक फुल टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फिलहाल आप ये करो कि रियल ऑब्जेक्ट मींस जो रियल पोजीशन है, अपेरेंट मींस जिस जहाँ पर हमें उसकी इमेज दिखाई देती है, मींस वहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था बट ऑब्जेक्ट है नहीं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट रियल एंड अपेरेंट. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.